हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 6 जो आपकी पुस्तक है हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत की, इसमें जो है हम हिंदी विषय का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अर्थात आपको एक ही वीडियो में हिंदी विषय की लर्निंग आउटकम्स का पूरा हल बताया जाएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6 खंड आ हिंदी जो आपकी पुस्तक है 2022-23 की, इसमें हम खंड आ हिंदी विषय की लर्निंग आउटकम्स का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से लिखते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेज नंबर 2 पर सुनना और सुनाना लर्निंग आउटकम्स H501 दी गई। सबसे पहले आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद पाठ्य सामग्री दी गई है रम्मू और कल्लू, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम इसमें अभ्यास में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 3 पर अभ्यास 1 दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए, उदाहरण रमा जाती है। तो इस प्रकार से आपको 2 वाक्य लिखना है। पहला वाक्य होगा रधिया हमारे घर की सफाई करती थी, दूसरा वाक्य होगा रधिया पढ़ाई करती थी। इसके बाद प्रश्न 2 है सकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। इस प्रकार से आपको 2 यहाँ पर वाक्य लिखना है। पहला वाक्य होगा पिंकू संतरा खाता है, दूसरा वाक्य होगा महेश शिकार करता है। तो इस प्रकार से आपको 2 वाक्य लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न 3 है निम्नलिखित वाक्यों को सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में बदलिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सकर्मक वाक्य लिखना है। उसने मुझे देखा, मोहन किताब पढ़ता है, वह आम खाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय की लर्निंग आउटकम्स और एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद जो है अभ्यास 2 दिया गया है, उक्त गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि बाबूजी ने यह इसलिए सोचा कि रम्मू और कल्लू का सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि रम्मू और कल्लू ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, क्या आप रम्मू के विद्यालय न जा पाने के तर्क से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। मैं रम्मू के विद्यालय न जा पाने के कारण सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षा सभी व्यक्तियों का अधिकार है और यहाँ पर भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न 3 है, क्या रम्मू और कल्लू की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होगी? कारण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं, और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। और सभी विद्यार्थियों को बता दें कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर होंगे, अर्थात जो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर होंगे, इन्हीं में से आपके पेपर बनाए जाएंगे। और जो आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली हैं उनमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लर्निंग आउटकम्स की पुस्तकों में से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है मूल्यांकन 1 दिया गया है। प्रश्न पहला है, अपने आसपास में घटित किसी देखी सुनी पड़ी घटना के बारे में लिखिए, जिसमें किसी बालक या बालिका ने काम करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की हो। तो
जिस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, आप कोई भी यहाँ पर अपने हिसाब से घटना लिख सकते हैं जो आपके आसपास घटित हो, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 5 पर जो है पाठ्य सामग्री दी गई है, छत्रपति शिवाजी। तो सबसे पहले आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है इसमें अभ्यास पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि शिवाजी से संबंधित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर शिवाजी से संबंधित इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित घटना शिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि गद्यांश में वर्णित घटनाएँ शिवाजी महाराज की शौर्य और पराक्रम के गुणों को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है इस प्रकार से कि शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कॉर्निश क्यों नहीं की थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कॉर्निश इसलिए नहीं की क्योंकि वह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध था और यह बात शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 पर अभ्यास 2 दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि दिए गए गद्यांश के आधार पर शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली कम से कम 3 घटनाएं अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से शिवाजी की कोई भी 3 घटनाओं को आपको लिखना है। इस प्रकार से पहली घटना होगी, शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर तोरण दुर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। दूसरी जो घटना होगी कि शिवाजी ने जो है प्रजा पर अत्याचार करने वाले राजा कॉर्निश नहीं किया। इसके बाद जो है तीसरी घटना इस प्रकार से होगी कि यहाँ पर शिवाजी ने वीर मालवी योद्धाओं को संगठित किया। इस प्रकार से आप कोई भी 3 घटनाएँ लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है अभ्यास 3 दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से उदाहरण, दांत खट्टे करना, परास्त करना, शिवाजी ने जो है अफजल खान की सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो यहाँ पर इनके अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इनके अर्थ दिए गए हैं, छूमंतर होना, भाग जाना, ना को चने चबवाना, बहुत तंग होना, फल चखना, परिणाम मिलना, खून खोलना, क्रोधित होना। इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग भी लिखेंगे। तो इनके सामने लिखे गए हैं, तो आप वीडियो को रोककर इन मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आगे मूल्यांकन 2 दिया गया है कि अपनी कल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हास्य कविता लिखिए। तो इनमें से आपको किसी एक विषय पर एक हास्य कविता लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कविता को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 7 पर पीर पराई जाने रे, इस प्रकार से यहाँ पर एक सामग्री दी गई है। इसके बाद जो है अभ्यास पर इस प्रकार से एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर आधारित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि शीर्षक सेठ जी का बेटा मोहन। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, वृद्धा सेठ जी के किस व्यवहार पर व्यंग से हंस पड़ी थी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि जब सेठ जी ने कहा, मोहन मेरा बच्चा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा, यह सुनकर वृद्धा हंस पड़ी थी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 8 पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप था। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, नहीं, सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, इस गद्यांश की कौन सी पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, यह पंक्ति जो है वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 है, वृद्धा और सेठ जी के प्रति बालक के भाव में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, सेठ जी मोहन के पिता थे, जबकि मोहन के गुम हो जाने के बाद 7 वर्ष तक वृद्धा ने मोहन का पालन पोषण किया था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है आगे अभ्यास 2 दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। लिखिए, पहला है कि किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिले तो आप क्या करेंगे। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, आपके गांव या मोहल्ले में किसी निर्धन व्यक्ति के घर में आग लग जाने से उसका सारा सामान जल जाए तो आप क्या करेंगे। तो आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार से लिखेंगे। आपको यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, आपका कोई साथी पेन और कॉपी खरीदने में असमर्थ हो, जबकि आपके पास जेब खर्च के लिए मिले बहुत से रुपए हैं, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, या आप चाहें तो इसको अपने अनुसार भी उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसके उत्तर मिल सके, सभी का सॉल्यूशन हो सके। इसके बाद जो है पेज नंबर 9 पर प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला मुश्किल से उठाए उसी ओर जा रही है जिस ओर आपका घर है, तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आप यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे कि मैं उस भारी थैले को उठाकर उस महिला के घर तक छोड़ने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है आगे अभ्यास 3 दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि श्री नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए पुस्तकालय या इंटरनेट से खोज कर लिखिए, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है आगे मूल्यांकन 3 दिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि इसके बाद क्या हुआ लिखिए, तो इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 10 पर दिया गया, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है आगे दिया गया है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अनुमान के आधार पर बताइए कि पिल्ले के पैर कैसे टूटे होंगे, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है कि पैर टूटने से पिल्ले को क्या क्या परेशानियां हो रही होंगी, तो इस प्रकार से आप यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर और दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 पर आगत का स्वागत, लर्निंग आउटकम्स H511, लर्निंग आउटकम H516 इस प्रकार से दी गई है। सबसे पहले गतिविधि और निर्देश दिए गए, सभी निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पाठ्य सामग्री दी गई है, आगत शब्द, तो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है इसमें हम अभ्यास पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पर अभ्यास 1 दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए, इस प्रकार से आपको इनके हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। तो मतलब का अभिप्राय होगा, जरूरत का गरज होगा, आंटी का चाची होगा, किताब का पुस्तक होगा, गुजारा का यापन होगा, नुकसान का हानि होगा, तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है अभ्यास 2 दिया गया है कि नीचे दिए गए आयत शब्दों को छांटकर
तालिका में उपयुक्त स्थान में लिखिए। इस प्रकार से आयत शब्द दिए गए हैं, इनको छांटकर आपको इस प्रकार से तालिका में लिखना है। तुर्की भाषा के शब्द कैंची होगा और बहादुर होगा। फारसी भाषा के शब्द चश्मा और पलंग होगा। अरबी भाषा के शब्द जादूगर, मुहावरा और वकील होगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द रेल होगा, रेत होगा, पेंसिल, चश्मा और मोटर होगी। इसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए प्रयुक्त आगत शब्द लिखिए, जैसे स्वयं और खुद, विश्वास, भरोसा, आदेश का आज्ञा होगा, चिकित्सक का डॉक्टर होगा, उपहास का मजाक होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद आगे जो है मूल्यांकन चार दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिए गए स्थान में लिखिए कि दिया गया शब्द किस भाषा का है। जैसे पुलिस है तो लैटिन भाषा का है, टाइम जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कलम जो है अरबी भाषा का शब्द है और पेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 13 पर लर्निंग आउटकम्स एच 505 दी गई है। तो सबसे पहले आपको पाठ सामग्री दी गई है, आपटित आवश्यक सूचना। इस सूचना को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो अभ्यास पर आधारित हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर अभ्यास एक दिया गया है इस प्रकार से। पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय में दिनांक 10 मार्च से 11 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव और उसमें भागीदारी के लिए बाल कैबिनेट में शिक्षा संस्कृति मंत्री की ओर से एक सूचना लिखिए। तो इस प्रकार से आप सूचना लिखेंगे। आप चाहें तो इसके अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सूचना को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर होगा, तो इसको आप अपनी पुस्तक में अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पर अभ्यास 2 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, हमें सार्वजनिक सूचना पटों से किन किन कार्यक्रमों या विषयों की सूचना पढ़ने को मिलती है, लिखिए। जिस प्रकार से यहाँ पर दी गई है कि जैसे 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की सूचना, आप सूचना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने हेतु सूचना। तीसरी सूचना आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख और खान पान से जुड़े नियम की सूचना। इसके बाद आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने हेतु सूचना। इसके बाद आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि गांव और समाज में भाईचारे के साथ रहने की सूचना। तो इस प्रकार से आपको इन सूचनाओं को आपको लिखना है। दूसरी सूचना हो जाएगी यहाँ तक, तीसरी सूचना, चौथी सूचना और इसके बाद पाँचवीं सूचना। तो इस प्रकार से आपको इन सूचनाओं को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है अभ्यास 3 दिया गया है, गणतंत्र दिवस प्रतिवेदन। तो आपको इस प्रतिवेदन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 15 पर अभ्यास पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है, तो आप उत्तर लिखेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। दूसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तीसरा प्रश्न है, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया, उनका नाम भी लिखिए, तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे अयोध्या प्रसाद जी। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है, कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण किया गया और अंत में सभी को मिठाइयाँ बाँटी गई, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है मूल्यांकन 5 दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि अपने विद्यालय में आयोजित किसी कार्यक्रम का संक्षिप्त प्रतिवेदन लिखिए। तो आपके विद्यालय में जो भी कार्यक्रम आयोजित हुआ हो उस पर आप संक्षिप्त प्रतिवेदन लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने इस प्रकार से लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 16 पर शब्द संयोजक, इस प्रकार से पाठ सामग्री दी गई है, लर्निंग आउटकम्स एच 511, लर्निंग आउटकम्स एच 516।
इस प्रकार से गतिविधि और निर्देश दिए गए हैं, सभी को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 17 पर पाठ्य सामग्री दी गई है, योजक चिन्ह दिए गए हैं, तो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है अभ्यास पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्यास एक प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के बाद के शब्द अनुमान के आधार पर लिखिए। तो इस प्रकार से आप अनुमान के आधार पर लिखेंगे, कहीं, चांदनी, भारती, जैसे, दीप, चाची और कर्म। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है अभ्यास दो दिया गया है इस प्रकार से, तो अभ्यास दो में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाइए। इस प्रकार से जैसे तुलना करने वाले शब्द सा सी से, इस प्रकार से आप लिखेंगे रानी राजू, कर्म सा, बार बार, किसी ना किसी, आगे पीछे। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है आगे मूल्यांकन 6 इस प्रकार से दिया गया, इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में या निम्नलिखित शब्दों के मध्य से योजक चिन्ह हटाकर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सुख और दुख, राजा का धर्म, राजा और अधर्म, विश्राम का ग्रह, भक्ति और भाव, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 18 पर कक्षा से बाहर इस प्रकार से पाठ्य सामग्री दी गई है। नीचे यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए एक पाठ्य सामग्री दी गई है, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर अभ्यास एक में इस प्रकार से दिया गया है कि दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो अभियान 2021, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 19 पर इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर बना होर्डिंग्स किस बारे में है, तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, पल्स पोलियो अभियान 2021। दूसरा प्रश्न है, दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति का संदेश को स्पष्ट कीजिए, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति का संदेश यह है कि एक महीने में एक बार बच्चे को दो बूंद पोलियो पिलाकर उसे पोलियो से हमेशा के लिए दूर रखना है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। इसके बाद चौथा प्रश्न है, होर्डिंग्स के अनुसार पोलियो की खुराक कब तक पिलाई जाएगी, तो 5 वर्ष तक पिलाई जाएगी, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है आगे अभ्यास दो दिया गया, इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, होर्डिंग्स के अलावा हमें सूचनाएं कहां से प्राप्त होती हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे, विज्ञापन और समाचार से। दूसरा प्रश्न है, अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी है, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अखबार आवश्यक होता है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम निम्न माध्यमों का उपयोग करेंगे। पहला है पोस्टर के द्वारा, दूसरा है विज्ञापन के द्वारा, तीसरा है कोटवार के द्वारा और चौथा है समाचार पत्र द्वारा आदि, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 20 पर मूल्यांकन 7 दिया गया, पल्स पोलियो अभियान इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, देश भर में पल्स पोलियो अभियान कब से शुरू हुआ है, तो आप उत्तर लिखेंगे, 31 जनवरी 2021 से। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2021 के पल्स पोलियो अभियान का आरंभ किसके द्वारा किया गया है, तो आप उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पोलियो रविवार के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप उत्तर लिखेंगे, पल्स पोलियो अभियान 2021। इसके बाद चौथा प्रश्न है, इस वर्ष के पल्स पोलियो अभियान की तिथि आगे क्यों बढ़ाई गई थी, तो उत्तर लिखेंगे, कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान से कितने बच्चे लाभान्वित होते हैं, तो 17 करोड़, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 21 पर जो है पन्ना पन्ना इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स दी गई है।
नीचे जो है पाठ सामग्री दी गई है, पन्ना का त्याग, तो इसको आपको एक बार अच्छे से, इन पंक्तियों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 22 पर अभ्यास पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्यास एक है, प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द अर्थ और यहाँ पर वाक्य प्रयोग लिखना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आप अर्थ लिखेंगे, यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है अभ्यास दो पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इस प्रकार से आपको इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे नभ है तो आकाश होता है इसका, गगन होता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज और रवि होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती और अंबर होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चांद और चंद्र होता है, वायु का पर्यायवाची शब्द समीर और हवा होता है। इसी प्रकार से सह के दो पर्यायवाची शब्द वनराज और शार्दुल होगा। इसके बाद वृक्ष के दो पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से होंगे, साखी और बेटप होगा। नेत्र के दो पर्यायवाची शब्द आँख और चक्षु होगा। महल के दो पर्यायवाची शब्द दरबार और राजदरबार होगा। माँ के दो पर्यायवाची शब्द माता और मम्मी होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है अभ्यास तीन दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। पहले प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है कि वह बार बार पीछे देख रहा था। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है इतनी देर मत करो। तीसरे में उत्तर में आपको लिखना है मैं कल श्याम काल आ जाऊँगा। चौथे में आपको उत्तर में लिखना है वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया। पांचवें नंबर में उत्तर में आपको लिखना है रमेश जो है मेरा शत्रु नहीं है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 23 पर अभ्यास 4 दिया गया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार से पंक्तियां दी गई हैं, तो इस प्रकार से आप भावार्थ लिखेंगे। आपको यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है मूल्यांकन 8 दिया गया है। इस प्रकार से तो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो इस प्रकार से आप वाक्य लिखेंगे, इनको आपको अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आगे दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इनके आपको विलोम शब्द लिखना है। जैसे दिया गया है शीतल का ताप, तो उदार का विलोम शब्द अनुदार होगा, त्याग का विलोम शब्द मोह होगा, निर्दय का विलोम शब्द सहृदय होगा, धरती का विलोम शब्द आकाश होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा, तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 24 पर कल आज और कल, इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स के बारे में निर्देश दिया गया है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 25 पर पाठ सामग्री दी गई, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद अभ्यास एक में प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ पर जैसे दिया गया कि रागिनी गाना गा रही है, तो यहाँ पर आपको इनके काल पहचान कर लिखना है। यह वाक्य जो होगा वर्तमान काल होगा, यह वाक्य भूतकाल होगा, इसके बाद जो है तीसरा वाक्य यहाँ पर जो होगा भविष्यकाल होगा, चौथा वाक्य भूतकाल होगा, पांचवा वाक्य वर्तमान काल होगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है अभ्यास दो में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित काल के अनुसार दो दो वाक्य बनाइए। तो आपको दो दो वाक्य बनाना है। इस प्रकार से दो वाक्य हो जाएंगे, भूतकाल पर आधारित, वर्तमान काल पर आधारित दो वाक्य हो जाएंगे और भविष्य काल पर आधारित इस प्रकार से दो वाक्य हो जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है अभ्यास 3 इस प्रकार से दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि वृक्षारोपण पर एक लेख लिखिए जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों ही तरह के वाक्य शामिल हुए हों, उन्हें रेखांकित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 26 पर
और भी आपको उत्तर लिखना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। जो अभ्यास 3 में प्रश्न पूछा गया है उसी का यहाँ पर उत्तर है, तो आपको यहाँ से लेकर इसके बाद यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अभ्यास 4 दिया गया है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। इस प्रकार से वाक्यों के प्रकार लिखना, वाक्य दिया गया वाक्य का प्रकार लिखना है। इस प्रकार से विधानवाचक दूसरा वाक्य होगा, निषेधवाचक तीसरा वाक्य जो होगा, आज्ञावाचक होगा, चौथा वाक्य निषेधवाचक होगा, पांचवा वाक्य इच्छावाचक होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है मूल्यांकन 9 दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। तो इस प्रकार से आप परिवर्तित करेंगे कि सीता अपना काम समय पर कर रही है। इसके बाद वाक्य होगा कि जुगन हंस रहा है। इसके बाद वाक्य होगा कि जुनैद साइकिल चला रहा है और मैं जा रही थी। इस प्रकार से आप वाक्य लिखेंगे। मूल्यांकन 9 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 27 पर रोको मत जाने दो, इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स पर आधारित निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जो है नीचे इस प्रकार से पाठ्य सामग्री दी गई है, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रकार से इस पाठ्य सामग्री को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 28 पर अभ्यास 1 पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार से कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहले वाक्य में यहाँ पर आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है, इस प्रकार से दूसरे वाक्य में जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तीसरे वाक्य में बाह्य के बाद आपको इस प्रकार से विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है, इसके बाद जो है चौथे वाक्य में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, इस प्रकार से आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पर लगाना है। इसके बाद जो है पांचवें वाक्य में आपको यहाँ पर जो है अल्पविराम लगाना है, कहाँ विनीता के बाद, रमा के बाद, इसके बाद लास्ट में आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। इसके बाद जो है छठवें वाक्य में आपको सुख और दुख के बीच में आपको इस प्रकार से डैश योजक चिन्ह लगाना है, अच्छी और बुरी के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है और लास्ट में आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। सातवें वाक्य में आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना हाय के बाद, इसके बाद आठवें वाक्य में आपको लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है, नौवें वाक्य में यहाँ पर डाल और डाल के बीच में योजक चिन्ह लगाना है और पात के बीच में योजक चिन्ह लगाना है और लास्ट में आपको इस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। इसके बाद दसवें वाक्य में आपको लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से आप इन चिन्हों को लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी चिन्हों को अच्छे से अपनी पुस्तक में लगा लीजिए। इसके बाद जो है अभ्यास 2 पर इस प्रकार से आधारित प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। जो गद्यांश दिया गया है अभ्यास 2 में, इस गद्यांश को आपको फिर से लिखना है और विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखना है। तो इस प्रकार से आप विराम चिन्हों का प्रयोग करके इस वाक्य को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है पेज नंबर 29 पर अभ्यास 3 दिया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोष्टक के भीतर दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ पर जो चिन्ह होता है अल्पविराम होता है, या चिन्ह प्रश्नवाचक होता है, या जो है पूर्ण विराम हो जाता है, इसके बाद जो है योजक चिन्ह होता है, या जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है अभ्यास 4 दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो है विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया, तीसरे वाक्य में जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और जल्दी जल्दी यह जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, पांचवें वाक्य में जो है अल्पविराम का प्रयोग किया। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है मूल्यांकन 10 दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। तो विराम चिन्हों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। पहला वाक्य होगा, दूसरा वाक्य होगा, तीसरा वाक्य, चौथा और पांचवा वाक्य होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 30 पर आसपास इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स दी गई है, नीचे जो है गतिविधि और निर्देश दिए गए, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद अभ्यास 1 पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, वाराणसी की सड़क पर कैसा दृश्य था? तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि वाराणसी की सड़क पर एक
जनसमूह चला जा रहा था, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 31 पर प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, किसी घटना के कारण चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद पुकारा जाने लगा, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन में जेल जाने के बाद चंद्रशेखर को आज़ाद पुकारा जाने लगा, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, इस घटना से चंद्रशेखर के किस गुण का पता चलता है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि इस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद के वीर और देश प्रेम के गुण का पता चलता है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, इस घटना का केंद्र बिंदु क्या है, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे असहयोग आंदोलन और चंद्रशेखर आज़ाद, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है अभ्यास 2 पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार से और नीचे यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है, तो अभ्यास 2 पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है कि अपने आसपास घटित या सुनी पड़ी किसी संवेदनशील घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, यह भी स्पष्ट कीजिए कि उस घटना ने आपको क्यों प्रभावित किया, तो आपके आसपास जो भी घटना घटी है उसको आप लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 32 पर मूल्यांकन 11 दिया गया है, नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो इस वार्तालाप को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया, तो उत्तर लिखेंगे आप बाढ़ का। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि बाढ़ के कारण गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए और चारों तरफ हाहाकार मचा था, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से पूछा गया है कि किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 33 पर पत्र हमारे मित्र, इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स दी गई है, नीचे जो है पाठ्य सामग्री दी गई है मित्र को पत्र, तो सबसे पहले आपको इस पत्र को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 34 पर इस प्रकार से अभ्यास पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, अभ्यास 1 है, प्रश्न है आप अपने मित्रों सहेलियों परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं, लिखिए, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे विवाह पर, परीक्षा में प्रथम आने पर, नौकरी लगने की खुशी पर, माता या पिता बनने की खुशी पर, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है अभ्यास 2 दिया गया है कि जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है इस पत्र में, पिताजी का नाम लिखना है, स्थान लिखना है और जन्म दिनांक लिखना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जन्म दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, कौन सा आपका जन्म दिवस है इसका नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपने स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ का आपका स्थान है, इसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, जन्म दिनांक, इस प्रकार से सब जो है आपको अपने अनुसार भरना है, जो भी आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम, आपका जन्म दिनांक कब है, कौन सा जन्मदिन है, यहाँ पर आप अपना स्थान, सब आपको अपने अनुसार भरना है, जैसे हमने इस प्रकार से इसमें भरा है, तो आप अपने अनुसार सभी विद्यार्थियों को अलग अलग भरना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 35 पर अभ्यास 3 दिया गया है, प्रश्न है कि आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए, तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इस तालिका को आपको अच्छे से भर लेना है। इसके बाद जो है मूल्यांकन 12 दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अपने मित्र या सहेली की उसके जन्मदिन के आयोजन में सम्मिलित ना होने पर खेद व्यक्त करते हुए उसे बधाई और शुभकामना देने के लिए पत्र लिखिए, तो आपके मित्र का जो भी नाम है, आपकी जो भी सहेली है उसका नाम है, यहाँ पर उस सहेली का नाम लिखेंगे या मित्र का नाम लिखेंगे, और इस प्रकार से आपको इस पत्र को आपको अच्छे से लिख लेना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखें, तो आप वीडियो को रोककर इस पत्र को लिख सकते हैं, फिर इसके बाद नीचे दिया गया है, नीचे इस प्रकार से दिया गया है, फिर इसके बाद आप जो है यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखें, तो आप वीडियो को रोककर इस पत्र को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद जो है पेज नंबर 36 पर शब्द कृषि शब्दों की खेती, इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स H513 दी गई। नीचे जो है पाठ्य सामग्री दी गई है उन्नत खेती उत्तम खेती, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 37 पर अभ्यास पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्यास एक है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहन विस्तृत और मिश्रित कृषि, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर आधारित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार से। पहला प्रश्न है, भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, तो प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? तो आप उत्तर लिखेंगे, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 38 पर इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ है? इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो है अभ्यास 2 पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चारों में से आप किसी एक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें गोबर गैस संयंत्र की टिप्पणी लिखी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग लिखना है गोबर गैस संयंत्र, तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और भी आपको लिखना है, तो आप यहाँ से लेकर आप जो है कहाँ तक लिखें, यहाँ तक लिखें। तो इस प्रकार से इस टिप्पणी को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 39 पर अभ्यास 4 दिया गया, प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनका विषय क्षेत्र या कला का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आलाप क्या होता है, संगीत होता है, कथक जो होता है नृत्य होता है, समीकरण गणित होता है, शल्य क्रिया चिकित्सा होता है, बांसुरी संगीत होता है, ढुमरी संगीत होता है, सरगम जो है संगीत होता है, नागरिक जनसंख्या होती है, और थर्मामीटर चिकित्सा होता है। इसके बाद जो है परखनली जो है प्रायोगिक होती है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है मूल्यांकन 13 दिया गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर इनका प्रयोग करके आपको वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य इस प्रकार से होगा, दूसरा वाक्य होगा, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, इसके बाद पाँचवा वाक्य, छठवां वाक्य, सातवां, आठवां, नौवां वाक्य और इस प्रकार से दसवां वाक्य। तो इन दसों वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 40 पर लर्निंग आउटकम्स दी गई है H517। यहाँ पर गतिविधि निर्देश दी गई है और नीचे जो है पाठ्य सामग्री दी गई है, इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इन कविता की लाइनों को आपको पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से दी गई है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 41 पर अभ्यास 1 दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए, जंगल की रानी रूठ गई। तो इस प्रकार से इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। यहाँ से यहाँ तक कहानी दी गई, इसके आगे आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कहानी को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो को रोककर इस कहानी को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है अभ्यास 2 पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नीचे लिखी कविताओं को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से इस कविता को आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और इस कविता को आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन कविताओं को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 42 पर अभ्यास 3 दिया गया, इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए, नीचे दिए गए विषय पर अपने मन से कविता लिखिए।
आम विषय पर आपको कविता लिखना है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मोर के आधार पर यहाँ पर आपको मोर के ऊपर जो है कविता लिखना है, तो इस प्रकार से आप मोर के आधारित कविता लिख सकते हैं और आम पर आधारित कविता लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इन कविताओं को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है मूल्यांकन 14 दिया गया है, अपने मन से एक कहानी लिखिए या स्थानीय लोक कथा को हिंदी में लिखिए। तो अपने मन से आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 6 हिंदी विषय की जो आपकी लर्निंग आउटकम्स है, खंड आ के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसी तरह आपको जो आपकी अंग्रेजी विषय, संस्कृत विषय, विज्ञान, गणित सभी विषय की लर्निंग आउटकम्स का आपका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।